गाइस कैसे आप लोग। तो यहाँ यार मेरी कुछ तबीयत ख़राब हुई हुई है, तो अगर मेरी आवाज़ आगे पीछे हो या आवाज़ हल्की हो जाए या पावर कम हो तो मैं माजरा चाहता हूँ। एक दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई है। तो आज चीज़ क्रिप्टो की वीडियो में बताएंगे कि PSL दोबारा शुरू हो चुका है और वो एक ज़ायनिस्ट फ्रेंड की कंट्री में PSL हो रहा है। एक आपके एक स्टेट में आपका PSL हो रहा है। लाहौर की जीत के बाद हार, बाबर इज इक्वल टू कराची, लाहौर का हार्ट अटैक और बहुत कुछ। यार ये जो जेम्स फॉकलैंड है यार, मैं इसके बारे में क्या, ये ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है और मैं कहता हूँ बड़ा लेवल बॉलर है, बहुत लेवल बॉलर है। इसने कुछ चार पांच मैचेस में 10 विकेट से ले लिए, चार मैचों में इसकी 10 विकेट हैं। इन भाई ने क्या, ये भाई क्या करते हैं, भागते फुल है लेकिन बहुत स्लो करते हैं। राशिद खान में एक चीज़ कॉमन है कि राशिद खान भी 100 की स्पीड में बॉल करते हैं, ये भी 100 की स्पीड में बॉलिंग करते हैं लेकिन वो कम रन पे 100 फेंक दिए, ज़्यादा रन पे स्लो फेंक दिया, बस इतना फ़र्क है। लाहौर का आपको पता है कि थ्रिलिंग मैचेस होते हैं लाहौर के, तो लाहौर भाई लाहौर भर के थे ना, लाहौर लाहौर है कि लाहौर ने इस्लामाबाद को आखिरी ओवर में 20 रन 16 या 20 वो चेस कर लिए। इस्लामाबाद जब पिशावर के खिलाफ बात आई तो सेम उन्होंने यही क्या, वो उनका टीम डेविड वो मार के रख दिया उसने। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 मैचेस ही हारे, इस्लामाबाद से भी हार गया और आज कोटा का मैच था वो भी वो हार चुका है और अब पॉइंट्स की बहुत अदला बदली हो चुकी है। लेकिन लाहौर 10 पॉइंट के साथ सेकेंड या थर्ड पोजिशन पर रहेगा, ये बात आप समझ लें। क्वालिफाई करने के चांसेस आप कह रहे थे 50-50 है। उसका पता मैं बताता हूँ, बाबर आजम जो है ना ये पूरा कराची है, मतलब कराची जो अगर कराची 170 स्कोर करता है उसमें से 80-85 आपका बाबर का होता है, बाकी 10-15 वाइड होती हैं आपकी। मुल्तान के मैच में कराची ने 160-170 करीब स्कोर किया, 85 किसका था आपका बाबर का। कराची जो PSL फाइनल जीती भी है ना, ये भी आप बाबर आजम की वजह से जीते हैं। कराची के मैच में जो इमरान खान है हमारे इमू बॉय, उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन ये जो इमू बॉय है ये थोड़ा डिफरेंट इमू बॉय है, ये इमू बॉय इतने पॉपुलर नहीं है। और सोहेब ने बड़ा मारा है इनको, मैं तो कहता हूँ कि सोहेब ने माद वसीम को जो मारा है, ओए होए होए हो यार, सुतरी धुलाई की है उसने माद की। यार मुनरो शुनरो यार तू क्या आदमी है यार, इस बंदे ने 90 खुद ही कर लिया और मैच जिता दिया इस्लामाबाद को। मैं कहता हूँ कि इसने कराची को जो धोया है, ओए होए 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 136 से करीब कुछ टोटल मिला था और वो उन्होंने 10 ओवर पहले 10 विकेटों से चेस कर लिया इस्लामाबाद ने। ओए अब इस्लामाबाद का थोड़ा सा बता देता हूँ कि पॉलिसी है कि इन्होंने अपना ओपनर हमेशा फॉरनर रख रहा होता है, किसी तरह शेन वॉटसन था, फिर ड्यूक रॉकी था, और ये रिकॉर्ड है PSL में किसी टीम ने 10 विकेटों के साथ 10 ओवर पहले 100-125 चेज नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि जो लाहौर है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान से, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान हमेशा मैचेस जीतता है तो अपनी वो बॉलिंग की वजह से जीतता है। लाहौर भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी अपनी बॉलिंग की वजह से जीतता है। ये इस PSL में जो लाहौर ने बॉलिंग की है, ओए होए होए होए, इस्लामाबाद को दूसरा जो मैच हुआ था 30 पे 6 आउट कर दिए थे, और जो पहला मैच हुआ था वो भी उन्होंने 15-16 पे 4 आउट कर दिए थे उनके। पिशावर के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसे ही किया था, वो शुएब अली खड़ा हो गया था, लेकिन अब क्या करें, बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, बैटिंग इनकी बहुत बुरी है। और उसके बाद जो आसिफ अली और आपके इफ्तिखार ने लाठी चार्ज किया, बहुत मजा आया। लेकिन मैं इसमें आपको कुछ चाहता हूँ, मुझे ना एक ऐसी दुनिया में ऐसे लोग हैं एक किस्म के जिनसे मुझे बहुत नफरत है, वो है गद्दार। गद्दारी करने वाले कौन कौन है पाकिस्तान में, नंबर 1 मोहम्मद आबिद, सलमान भट्ट, मोहम्मद आसिफ, शर्जील खान, खलील लतीफ, मोहम्मद इरफान, और जिन्होंने जिन बड़े से बड़े प्लेयर स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्स किया है वो सारे इस मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। वसीम अकरम का नाम भी आता है, आसिफ अली और इफ्तिखार भी है। ये दो जो प्लेयर्स है ना आपकी शहादा, इनको आप, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप था आसिफ अली ने 2 इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के मैच में कैच छोड़ दिए थे जिसकी वजह से वो टीटा मशहूर हो गया था ऐसे पोस्ट मारकर। और आपकी इफ्तिखार भी यही है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई ना इस पर T20 का आजरा इफ्तिखार का रिकॉर्ड है 10-20 स्कोर टोटल ही होना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लाहौर हारा है, बहुत अच्छी बात है, हारना चाहिए, अब टॉप पे थे भाई ये, अब तो वैसे भी क्वालिफाई कर गए थे। यार फखर और सोहेल बड़ी फाइट की थी इस्लामाबाद के मैच में 86, लेकिन उसके बाद बैटिंग पत्तों की तरह बिखर गई, पत्तों की तरह। ये लाहौर का था तो मसला क्या, लाहौर चाहता है लाहौर के बैट्समैन के हम आ रहे तो हर बॉल पर छक्का चौका मारे, देखो हर बॉल पर छक्का चौका मारना अच्छा नहीं लगता, कभी कभार लग जाता है, लेकिन रोटेट द स्ट्राइक, टैप करके भागना किधर है ये पता ही नहीं मारे प्लेयर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PSL जो है ये पैसा कमाने की मशीन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमने इसको पैसा कमाने की मशीन समझ ली है। हकीकत में PSL जो है वो आपका नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से सीखे कि अच्छा जब बैग फंसा हुआ हो तो टैप करके कहाँ भागना है। कोयटा को आपने सरफराज के आदमी दिया हुआ, ठीक है वो बड़ा फजूल सा कप्तान है, ठीक है, लेकिन जो अपने नौजवान अपने कप्तान रखे हुए जैसे रिजवार और शादाब, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ से इनकी अदर कप्तानी बिल्ड होगी। और ये जो आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया हुआ, आप बाबर आजम को टेस्ट का बना दे, रिजवार को वनडे का बना दे, शादाब को T20 का बना दे, हर फॉर्मेट का अपना कप्तान हो, वो उसी फॉर्मेट में समझ के करे।
अरे बस दानियाल पे बात करना चाहता हूँ यार, ये आदमी क्या है, फजूल बॉलर है। इसकी कुल PSL में 5 विकेटें भी नहीं है, 3 2 विकेटें है इसकी, 8 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें। यार इतना घटिया बॉलर, वो भी 2 कराची ने इसको विकेट दे दी थी। मैं बताऊँ जो लाहौर इस्लामाबाद से हारा है उसका सबसे बड़ा कल्प्रेट आपका ये अहमद दानियाल है। क्यों? क्योंकि 150 के 45 स्कोर इसको पड़ा है। इसकी जगह कोई दूसरा बॉलर होता उसको 18-19 पड़ता, अच्छी बॉलिंग करता, जैसे हफीज को बुलाते उधर, शायद अब वो मैच जीत जाते। तो अगर 120-125 होता फिर चेस कर लेना था। और इतनी बुरी बैटिंग कर लाहौर की, यार अगर आपकी विकेटें गिर रही है तो यार जो फखर और सोहेल अख्तर है, मैं से पूछना चाहता हूँ हफीज भी भाई, आपको रोटेट और स्ट्राइकर भी किधर है, टैप करके भागना किधर? अगर आपको ही नहीं पता तो आपने यंगस्टर को खाक से खाना है। लाहौर में मैं बात करना चाहता हूँ, देखो अगर लाहौर जीत जाता है ये PSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कराची ने पिछला PSL जीत गया था, अब कराची के अंदर एक उम्मीद है कि यार हाँ ये जीत सकते हैं। वो देखेंगे कराची की 2.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो जब 20 मिलियन आबादी आपको देखेगी तो 20 मिलियन कम है लोग। अब अगर लाहौर जैसी मार्केट जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, ओवर 15 मिलियन की पॉपुलेशन है शहर की, अब अगर ये शहर नहीं देखता, अगर लाहौरियों का जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रांड स्पॉन्सरशिप और पैसा है, अगर यही PSL से हट जाए, तो ये जो PSL चल रहा है ना, जो 7.5 लाख रुपया दे रहे हैं मैच में, 75,000 रुपये आ जाएंगे। दुआ करें PSL लाहौर जीते। अगर आपको मेरी क्रिकेट टॉस पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, और मेरे लिए कुछ दुआ कर लीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। Shitty bitch, won't you get excited? I'm too drunk and high for this shit, baby.